नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूं टाटा टियागो का 0-100 टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एसी ऑन करके एकदम नॉर्मल तरीके वाला टेस्ट, जैसे डेली लाइफ में 2000-3000 आरपीएम पे, जैसे कि टाटा टियागो में 2000 आरपीएम के ऊपर गियर बदलना रिकमेंडेबल है वैसे, और फिर उसके बाद एसी ऑफ करके नॉर्मल तरीके से करेंगे। देन उसके बाद जो खींचने वाला, मतलब कि 3000-4000-5000 आरपीएम पे फिर जब गियर चेंज होता है एक्सट्रीम कंडीशन में, उस टाइप का टेस्ट मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट से सबसे पहले मैं एसी ऑन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप, एक नंबर पे अभी एसी ऑन है और ये सामने की तरफ रोड थोड़ा सा खाली है, तो एकदम नॉर्मल तरीके से 0-100 टेस्ट में यहाँ पर करने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं और नीचे टाइमर आपको शो हो जाएगा। तो गाइज इतना कुछ समय लेती है ये एकदम नॉर्मल तरीके से। अगर आप इसे 0-100 पर एक्सेलरेट करते हैं, 2500-3000 आरपीएम पे अगर गियर चेंज करते हैं, तो एग्जैक्टली टाइम तो मुझे एडिटिंग के टाइम पे ही मालूम पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा। तो अब हम गाड़ी को रोकते हैं और एसी ऑफ करके एक बार और ये वाला टेस्ट करके देखते हैं कि कितनी देर में गाड़ी 0-100 टच करती है। तो ये मैं गाड़ी को साइड पर लगाता हूँ। और अब मैं करने वाला हूँ गाड़ी का एसी ऑफ और अब हम स्टार्ट। थोड़ी सी पावर बढ़ जाती है एसी ऑफ करने के बाद, और जो टियागो में डिलीवरी है पावर डिलीवरी, वो 2000 आरपीएम के बाद ही निकल के आती है, उससे पहले गाड़ी पावर भी कम डिलीवर करती है। सिक्सटी और एटी तक तो बहुत फास्ट टच करती है, लेकिन एटी के बाद थोड़ी सी डल पड़ जाती है ये गाड़ी। ऑलरेडी हम 90 टच कर चुके हैं और ये 100। तो हाँ, इस बार मतलब थोड़ा सा फास्ट था और सामने की तरफ थोड़ा सा विलेज एरिया आ गया, तो मुझे ब्रेक लेने पड़ गए। तो ये मैंने एसी ऑन और एसी ऑफ करके आपको एकदम नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी 0-100 जो जाती है वो करके बताया। अब हम एसी ऑफ करके एकदम हाई आरपीएम पे जब गाड़ी 0-100 टच करती है वो कितनी देर में करती है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा खाली रोड पहले देख लेता हूँ, जहाँ पर टर्न वगैरह ना हो आगे, यहाँ पर बहुत जल्दी टर्न पड़ने वाला है, उसमें दिक्कत होगी। अब हायर आरपीएम पे जब हम गाड़ी को खींचेंगे 4000-5000 के अराउंड, जो है मैं कोशिश करूँगा कि गियर चेंज कर दूँ। तो आगे फिर से एक टर्न आ गया है, ओह फिर से एक टर्न आ गया, फिर से एक टर्न आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा खाली रोड है, यहाँ पे हम गाड़ी को स्टॉप करते हैं और ये जो दो चार गाड़ियाँ आ रही हैं इन्हें निकल जाने देते हैं। और फिर इस बार में जो गियर है वो थोड़े से हायर आरपीएम पे चेंज करने वाला हूँ। तो 1, 2, 3
गाइस बहुत जल्दी इसने 100 टच कर दिया नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले। तो नॉर्मल कंडीशन जैसे कि 2500-3000 आरपीएम के बाद जब आप 3500-4000-5000 आरपीएम से अगर गियर चेंज करते हो तो गाड़ी 100 बहुत ही जल्दी टच कर जाती है। अब एक्चुअल टाइमिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा, एडिटिंग के टाइम पर सब कुछ पता चलेगा और आप लोगों को डिफरेंस जो है वो क्लियरली यहाँ पर टियागो में दिख गया होगा। भाई इंजन पावरफुल तो है, 3 सिलेंडर होने के साथ साथ जितनी पावर जनरेट करता है काफ़ी अच्छा है। कोई भी टर्बो चार्जर वगैरह वाला ऑप्शन अभी टियागो में आता नहीं है, आई होप जल्दी आ जाए। लेकिन जो पावर इसने जनरेट करी है 2000-3000 आरपीएम के बाद वो काफ़ी अच्छी है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो वीडियो है पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।